लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो है व्यक्ति का चेहरा नहीं देखते, लोकसभा के इलेक्शन पे लोग जो है पार्टी का सिंबल देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मोदी लहर तो हम कहते हैं कि 2014 से चली आ रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पे तो विक्रमादित्य जी का ही पलड़ा इसमें भारी लग रहा है कि जिस तरह से वो, एक तो उनको राजनीति की अच्छी खासी समझ है और कहीं ना कहीं जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं उनके लिए भी आवाज उठाते रहे। पलड़ा सर का घाट विधानसभा क्षेत्र और मंडी जो रीजन है उससे एक तरफा ही है, तो कंगना का पलड़ा मेरे को भारी लगता है। देश में गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी जो राजनीतिक पारा है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है, और ऐसी गर्मी में भी जो चाय का आनंद ना छोड़े वही पहाड़ी है, और पहाड़ों में भी इस समय पर भी अगर बात की जाए तो लोग चाय का आनंद लेना नहीं छोड़ते हैं, चाहे गर्मी जितनी मर्जी हो जाए, चाहे राजनीतिक पारा जो है जितना मर्जी बढ़ जाए। तो हम इस समय बात की जाए तो एक कैफे के आसपास मौजूद है, और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं जो विभिन्न जो प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि मंडी जो पार्लियामेंट्री है, क्योंकि हॉट सीट इस समय देश की बनी हुई है, और उस हॉट सीट में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि एक साइड बात की जाए तो अभिनेत्री कंगना रनौत है, दूसरी ओर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसे में किसका पलड़ा यहां पर भारी माना जा सकता है, क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी है या भाजपा का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ युवा है। जैसा अगर हम अभी के देखें ना, तो सबसे पहली बात जो लोकसभा के इलेक्शन होता है वो पार्टी सिंबल के ऊपर होता है। लोकसभा के इलेक्शन में लोग जो है व्यक्ति का चेहरा नहीं देखते, लोकसभा के इलेक्शन पे लोग जो है पार्टी का सिंबल देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर मोदी लहर तो हम कहते हैं कि 2014 से चली आ रही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। वो मंडी में विकास करेंगे 800 करोड़ जितने भी वो हम इतनी राशि से, तो इससे पहले उनके परिवार की, उनकी माँ ही वहां से सांसद रही, उन्होंने कितना काम किया। हम यहाँ मैं रूम यहाँ सांगटी में है, सांगटी से वो ग्रामीण शिमला से विधायक हैं विक्रमादित्य जी, तो वहाँ के आप रोडों की हालत देखेंगे, खुद वे कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के, और वहाँ के रोडों की आप हालत देखेंगे, और वो एक तरफ बोलते हैं कि मैं मंडी में विकास कार्य करूंगा। तो ये भी सोचने का विषय है कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद काम नहीं कर पाए, वो मंडी के जैसे इतने बड़े क्षेत्र में क्या काम कर पाएंगे। आपने लहर की बात कही कि 2014 से लहर चलती आ रही है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार कोई लहर नहीं है, जो थी वो पहले हो चुकी है, अब लोग परेशान हो चुके हैं भाजपा से, अब वोट नहीं करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर किसी कैंडिडेट को लेकर हो या फिर पार्टी को लेकर हो। देखिए, जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी लॉ की यहाँ से पढ़ाई चली है, और मैं बेसिकली मंडी से आता हूँ, तो हमारा जो SPU का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, SPU विश्वविद्यालय जो हमारे मंडी में खुला, तो उसका अगर दायरा कम करने का किसी ने काम किया, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया, आपके ध्यान में होगा, पहले कितने जिले SPU में आते थे, उसके बाद उन्होंने घटा के कितने कर दिए। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट देखूँ तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी स्टूडेंट्स में फेवरेबल है। और एक बात अगर अनएम्प्लॉयमेंट की आती है, तो हम सभी को ये भी सोचना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में ना ही बीजेपी सरकार ना ही कांग्रेस सरकार जो है आगे आ पाई है। उन दोनों ने प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन दोनों ही मतलब इस चीज में पूरे नहीं हो पाए हैं। हमारे देश को, युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को ये सोचना चाहिए कि सरकार जो है सभी को रोजगार नहीं दे सकती। हमें जो है पर्सनली जो हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, उस हिसाब से या कुछ स्टार्टअप शुरू करने चाहिए हमारे हिमाचल में भी, क्योंकि सरकार सभी युवाओं को जो है रोजगार नहीं दे सकती। तो मतलब आपका मानना है कि भाजपा का पलड़ा भारी है, कंगना का पलड़ा भारी है? कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी है, जिस हिसाब से मोदी जी की रैली हुई, आने वाले समय शायद योगी जी की रैली भी होगी, अमित शाह जी भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंगना का पलड़ा भारी हो सकता है। जैसे अगर हम इसमें वोट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो लोअर मंडी में वोट ज्यादा है अपर मंडी से, तो अगर लोअर मंडी से कहीं ना कहीं कंगना जी को लीड अभी इस वक्त है, तो कंगना जी जीतने की स्थिति में। चुनावी मैदान में एक तरफ बॉलीवुड की अभिनेत्री है, एक तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री है, क्या मानते हैं किसका पलड़ा भारी है और क्यों भारी है? जैसा कि आपने खुद कहा, वो एक बॉलीवुड की अभिनेत्री है। बॉलीवुड जो मुख्य रूप से जो बॉम्बे महाराष्ट्र में कार्य करता है, जहाँ फिल्में वगैरह बनती है, और जो आपने कहा पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो विक्रमादित्य सिंह जी, जो अभी फिलहाल में पीडब्ल्यू मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश सरकार में, आपको बता दूं कि जो कुछ 1-1.5 साल पहले जो इस सदी की सबसे बड़ी महात्रासदी जो कुल्लू मंडी मनाली में घटी, और उसने बाकी क्षेत्रों को भी आहत करा है, स्पेसिफिकली मंडी की बात करता हूं, तो आप देखेंगे पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी पटल पे गए, वो कुल्लू गए, वो भुंतर गए, वो आपके मनाली गए, वो आपके मंडी गए, उन्होंने पटल पे जाके लोगों के साथ जाकर वहां पर कार्य करा, और मनाली में तेजी से पुल वगैरह जो ढहे हैं वो बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे विक्रमादित्य सिंह जी है, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, वो धरातल से जुड़े हैं, उसके साथ ही कार्य करने की क्षमता भी रखते हैं, वो क्षेत्र को भी सही से समझते हैं। और एक तरफ बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत जी है, बॉलीवुड में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं, परंतु राजनीति की बात करें, राजनीति के लिए आपको एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस क्षेत्र की सोसाइटी को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस क्षेत्र में रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह बड़े समय पहले बॉम्बे चली गई थी, और जैसे आप उनकी भाषणबाजी भी देख रहे हैं, वो बहुत हवाई बातें कर रही है,
तो इस परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि विक्रमादित्य सिंह जी का जो है पलड़ा मंडी में भारी है। कंगना तो कह रही है कि अगर वो जीत जाती है तो बॉलीवुड छोड़ देगी, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जनता सपोर्ट करेगी? और क्योंकि भाजपा की 9 सीटें भी जो है वो मंडी के अंदर है और भी कई अन्य विधायक हैं, तो अच्छी पकड़ भाजपा कह रही है कि हमारी है। आप जरूर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो सीटें वो बॉलीवुड छोड़ देगी, परंतु एक बात, एक कहावत है कि पूत के, कंगना कह रही है कि एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, जीतने के बाद के बातें सब करते हैं। अगर वो इतने ही राजनीति, तो पहले उन्होंने क्या कहा, जैसे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, वो एक अभिनेत्री है और फाइनेंशियली भी काफी साउंड है, काफी उनके लिंक्स है, तो उसमें हो सकता था वो क्षेत्र में आती और क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की एड वो डलवाती, वो मदद बॉलीवुड से हो सकती थी वो, या उनके किसी और लिंक से जरिए हो सकती थी, या अपनी धनराशि में से हो सकती थी। राजनीति की बात करें तो राजनीति में मेरा मानना ये है कि राजनीति में हमें जो जमीन स्तर से जुड़ना जो बड़ा जरूरी है, जिस तरह से अगर वो मुंबई से सीधा मंडी में आए और मंडी में बात करे कि लोगों के हक के लिए लड़ेंगे, लोगों के मुद्दों की बात करेगी, तो उनके मुंह से वो शोभा नहीं देती। तो क्या मतलब कांग्रेस का पलड़ा भारी बोल रहे हैं आप? जी पलड़ा तो अभी रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि पलड़ा किस चीज का। आपको क्या लगता है रिजल्ट के बाद? तो चलिए सबके सामने होगा। ये मुझे लगता है कि हमें मंडी के लोगों को एक ऐसा युवा नेता चुनना चाहिए जो वहाँ के जो जनता है उनकी मूलभूत जो मुद्दे है उनके लिए लड़ाई लड़ता हो और उनको कहीं ना कहीं आगे। व्यक्तिगत तौर पर आप किसको देखते हैं? व्यक्तिगत तौर पे तो विक्रमादित्य जी का ही पलड़ा इसमें भारी लग रहा है कि जिस तरह से वो, एक तो उनको राजनीति की अच्छी खासी समझ है और कहीं ना कहीं जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर और पिछले जो 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट के रहे हैं, उस बीच में आप देखिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा चरम पे आज के समय के अंदर है, 45% मतलब वृद्धि उसके अंदर हुई है, मतलब इतने सारे लोग आज के समय के अंदर, जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो भी नहीं मिला उसके बाद। और आज के टाइम के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर देखेंगे तो किस तरह से छात्र जो है अपनी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसको रोजगार के लिए कोई साधन आज के समय के अंदर दिख नहीं रहे। मंडी पार्लियामेंट की सीट बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है, लेकिन जो मंडी से लोकल कैंडिडेट है उसका फायदा निश्चित तौर पर कंगना राउत को मिलेगा, और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से पहली बार किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्रीय पार्टी से पार्लियामेंट्री का टिकट मिला है, तो मुझे लगता है कि कंगना राउत का पलड़ा सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र और मंडी जो रीजन है उससे एक तरफा ही है, तो कंगना का पलड़ा मेरे को भारी लगता है। देखिए प्रतिभा सिंह जी सांसद रही पिछले 3 वर्षों में, उन्होंने वायदा किया था कि वो मंडी में ऑफिस खोलेंगी सांसद बनने के बाद, लेकिन उनके दर्शन न के मात्र मंडी के लोगों को देखने को मिले। और कंगना राउत नई कैंडिडेट जरूर है, लेकिन जिस तरह का कंगना राउत के अंदर झील है, काम करने की झील है, वो अपने क्षेत्र में अव्वल नंबर की दर्जे की फिल्म अभिनेत्री रही है, जिसने अपने दम पर हर फिल्म को हिट किया है किसी मेल एक्टर के बिना, तो मुझे लगता है कि कंगना राउत राजनीति के इस क्षेत्र में भी सफल होंगी। तो हमारे साथ कुछ युवा थे जिन्होंने जो मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और सभी ने एक मिला जुला सा अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि कंगना राउत इस चुनाव में जो है हावी रहेगी, कुछ का मानना है कि विक्रमादित्य हावी रहेंगे। अब उन्होंने अपने अपने तर्क इसमें दिए है कि कंगना क्यों हावी रहेगी, क्योंकि बॉलीवुड से उठकर आई है, और कई लोगों का ये मानना था कि कंगना जो है सफल नहीं हो पाएगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह पहले से लोक निर्माण मंत्री है, उनके द्वारा किसी तरह के कार्य नहीं किए गए हैं, उसको लेकर भी अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर युवाओं ने रखने का प्रयास किया है। तो हम सभी ने, आप सभी तक जो किसका पलड़ा भारी रहा है या युवाओं की राय हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, उसको लेकर बात रखने का प्रयास किया है। पंकज सिंह, लोकल 18 शिमला।